कर सभी को आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है गोलू भोलू और भालू। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गोलू और भोलू दोनों पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला लड़का था, वहीं भोलू जो था वो मोटा गोल मटोल लड़का था। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी, क्योंकि एक तो बहुत पतला था और एक बहुत मोटा था। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला था कि किसी अवसर पर उनके एक मित्र ने उनको बुलाया था। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि उस मित्र की बहन का विवाह था। उसके मित्र का जो गांव था वो कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जंगल में जंगली जानवर रहते थे और दोनों दोस्त चल दिए। कौन कौन? गोलू और भोलू। जब वे दोनों जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। उस भालू को देखकर दोनों कौन कौन गोलू और भोलू दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। तभी जो दुबला पतला गोलू था वो तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोटा होने के कारण भोलू उतना तेज ना तो दौड़ सकता था और ना ही वो पेड़ पर चढ़ सकता था। उधर भालू भी बहुत निकट आता जा रहा था और वह भोलू के निकट पहुंच गया। फिर भी भोलू ने साहस नहीं खोया। भोलू ने यह सुन रखा था कि भालू कभी भी मर्द शरीर का शिकार नहीं करता, मतलब जो मरा हुआ इंसान है उसको भालू नहीं खाता। तो वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। ऐसा अभिनय किया कि भालू को ये लगे कि उसके शरीर में तो प्राण है ही नहीं। भालू कुछ देर घुर्राता हुआ वहाँ भोलू के आसपास घूमता रहा। उसने भोलू के चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर भोलू के निकट आया और बोला कि मित्र, मैंने देखा था भालू तुम्हारे कान में कुछ कह रहा था, उसने तुम्हें क्या कहा? तो भोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर मैं बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा था। भालू ने मुझसे कहा था कि गोलू जैसे मित्र पर कभी भी विश्वास मत करना, वह तुम्हारा मित्र हो ही नहीं सकता। ये बात सुनकर गोलू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे आभास हो गया कि उसने कितनी भारी भूल की है। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय काम आए।
तो इसी के साथ आज की कहानी समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।